उन्हें क्या कुछ किया है यहाँ तक आने के लिए, शुरू से बता। देखो मैं टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, बट उन 5 सालों में मैंने ढंग से काम सिर्फ लगा लो 1.5 साल या 2 साल किया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था फ्री में जॉब करके, ठीक है, क्योंकि BCA के बाद कोई ढंग की जॉब दे नहीं रहा था और मुझे पता भी नहीं था जॉब लेते कैसे। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मेंटर नहीं था। उस टाइम पे ये इंटरनेट इतना फेमस भी नहीं था कि 2018 में, ठीक है, और मैं हूँ अम्बाला से, यहाँ पे किसी को नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। मुझे गलती से पता चल गया था, तो मैं थोड़ा बहुत घुसने लग गया था। दैट्स वाई आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर फ्री। तो इफ एनीबडी फ्रॉम ट्विटर हु इज ट्राइंग टू बैश मी और वट एवर इट इज आर ट्राइंग टू रोस्ट मी कि भाई मतलब दिस इज नॉर्मल, वॉट वॉट यू हैव डन इज नॉर्मल, इट वॉज नॉट नॉर्मल फॉर मी। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट भी नहीं होता, ठीक है। बस ये है कि मैंने आगे रोना धोना नहीं किया ऑनलाइन, तो तुम्हें पता नहीं चलती ये चीज़ें, बट मैं बता देता हूँ मेरे पास इंटरनेट नहीं, मतलब हाँ मैंने वाईफाई लगवाने के लिए कितनी मिन्नतें करी, मेरा कभी नहीं लगा। हाउ आई यूज टू यूज़ इंटरनेट मैं बताता हूँ। कॉलेज का वाईफाई होता था, वो यूज़ करता था। कॉलेज में मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, तो मेरे इतने पैसे नहीं लगे। मैं यूट्यूब से अर्न करता था, वहाँ से मैंने कॉलेज की फीस पे की, ठीक है। अपने सारे गम सुनाता हूँ, ठीक है, यू विल गेट टू नो कि वॉट आई हैव डन। फ्रांसिस्को भाई, चलो आई विल कंप्लीट दिस, देन आई विल टॉक अबाउट फ्रांसिस्को। ही इज लाइक जेन्युइन। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ आई यूज टू यूज कॉलेज का वाईफाई, एंड देन ऑल्सो मेरे चाचा के घर पे वाईफाई था। यू हैव सीन सानवी का घर, राइट? तो उनके सानवी के दादू को मैं चाचा बुलाता, उनके घर पे वाईफाई था, मैं उनके घर जाके उनका वाईफाई यूज़ करता था, ठीक है। और ऑल्सो उस टाइम जियो के सिम, फिर थोड़ा टाइम बाद फ्री में जब मिले, जियो के सिम थे, आई डोंट नो क्या था, हाँ आई थिंक जियो के सिम थे, फ्री का इंटरनेट होता था। तो मैं पहले अपना इंटरनेट पूरा खत्म करता था, तुम्हें पता है 4 पैकेज इंस्टॉल मारो इंटरनेट खत्म हो जाता है। अपना इंटरनेट खत्म करता था, मम्मी से लेता था फोन, उनका इंटरनेट यूज़ कर लिया, पापा से फोन लिया, उनका इंटरनेट यूज़ कर लिया, एंड देन आई यूज टू लाइक अपने आसपास रिलेटिव्स हैं उनसे भी लेता था, क्योंकि उनको व्हाट्सएप चलाना होता था, वो धीरे स्पीड में भी चल जाता था। ये सब करता था मैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। एंड देन उसके बाद मैंने HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट नहीं की थी मैंने, मेरे को मुश्किल लगती थी jQuery, और उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स भी बहुत गंदा होता था, अभी बहुत सही है, ठीक है। सो jQuery मैंने की थी, एंड 2018 में स्टार्ट नहीं किया मैंने, तब कॉलेज का टाइम था, मैंने 10th में स्टार्ट किया था, ठीक है, jQuery। एंड उसके बाद मैंने जहाँ से मैंने सीखा था PHP सीखा, फिर PHP जहाँ सीखा मैंने उन्हें बोला कि मुझे आपके पास काम करना है, मैं फ्री में काम करूँगा, मुझे बस सीखना है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो मैंने जब उनके पास 1 महीना काम किया, आई सॉ अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो वहाँ पे, देन ही ओनली मैनेजर ओनली टोल्ड मी कि भाई ये 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा तो इससे अच्छा काम कर रहा है। तब मुझ में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि ओ आई नो थिंग्स, बस मुझे यूज़ करनी नहीं आती है। फिर उन्होंने मुझे सैलरी देना शुरू किया, फिर उसके बाद जब सैलरी देनी शुरू की तब नॉर्मल चल रहा है अभी मेरा, ठीक है, 2-3 साल मस्त नॉर्मल चला। उसके बाद मैंने एक स्विच मारा, तब भी नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद मैं परमानेंट हुआ, माई थर्ड वॉज नॉट स्विच, मैं परमानेंट हुआ उसके बाद एक कंपनी में, तब भी मेरा माइंडसेट जो था नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद मैं इस पे इजी स्निपेट स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता था मुझे बहुत अच्छे से कोडिंग आती है, तो क्योंकि मैं अपनी कंपनी में जिसमें भी जाता था मैं वहां पे फाड़ देता था, तो इसलिए मुझे लगता था मुझे बहुत अच्छे से कोडिंग आती है। तो मैंने उस टाइम भी लर्न इन पब्लिक, ओपन सोर्स ये सब सुना हुआ था, बट मुझसे होता ही था। तो आई थॉट कि थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा हो जाऊंगा, मैं उस वहम में था कि थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा ओपन सोर्स हो जाएगा मुझसे और डन बस, बट मुझे नहीं जरूरत है क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ जॉब। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन एक बार वीडियो देखी हरकीरत भाई की, ठीक है, एंड आई गॉट टू नो उनका 4 करोड़ का पैकेज है। देन आई वॉज लाइक वॉट, ऐसा भी होता है? देन मैंने उनको मैसेज किया, आई गॉट नो रिप्लाई, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कितने मैसेजेस आते होंगे उनके पास, आई गॉट नो रिप्लाई। देन उसके बाद फिर मैंने इजी स्निपेट तो स्टार्ट किया ही हुआ था, मैं थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा था धीरे धीरे, एंड देन मैंने प्रथम का इंटरव्यू देखा, देन आई गॉट टू नो कि विदाउट डिग्री ही हैज डन इट, और वो भी 1 ईयर विदाउट डिग्री। दैट मीन्स कि मैं अपनी डिग्री को साइड रख के, क्योंकि मेरे पास BCA थी, आई यूज टू थिंक कि मैंने BCA की हुई है तो मैं इतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा जितना IIT वाले करते हैं, दैट्स व्हाट आई यूज टू थिंक। देन आई गॉट टू नो प्रथम ने विदाउट डिग्री किया, मैंने रिस्क लिया, मैंने प्रथम को मैसेज कर दिया कि हाय ब्रो आई सॉ योर ऐसे ऐसे इंटरव्यू वगैरह, तो वुड लाइक टू कनेक्ट, ठीक है। प्रथम रिप्लाइड मी एट दैट टाइम, ठीक है, एंड वाई प्रथम रिप्लाइड मी, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो डूइंग समथिंग। तो प्रथम ने देखा कि हाँ भाई ये बंदा खुद भी कुछ कर रहा है, ये एक्चुअल में करना चाहता है लाइफ में, तो ठीक है इसके साथ कनेक्ट करते हैं, प्रथम का भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा, ऐसे चलती है दुनिया, ठीक है।
ऐसे गिव एंड टेक रिलेशन होता है। तुम ऐसे जाके रैंडमली किसी को मैसेज करो कि भाई चल मेरे पीछे पड़ जा, मेरी हेल्प कर दे, कोई नहीं करेगा, ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशन होता है। तो प्रथम से मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम, तो उसने मुझे सारा समझाया कि लर्निंग पब्लिक क्या होता है, ट्विटर पे कैसे किया भाई ने, इवेंट्स में जाना कितना फ़ायदेमंद होता है। देन फिर मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ, देन मैं इन चीज़ों से बाहर आना शुरू हुआ कि डिग्री की वैल्यू नहीं है भाई, जो लर्न इन पब्लिक की वैल्यू है। तो फिर मेरा दिमाग खुला कि भाई साहब मतलब मैं कर सकता था अचीव, बट किसी ने कभी बताया ही नहीं मुझे यार ऑनलाइन आके कि ये सब चीज़ों की वैल्यू है। फिर भाई उसके बाद मैंने बस फुल स्पीड उठाई, उस टाइम के बाद से मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आई एम लाइक कि बस अब देखो तुम, दैट्स व्हाट, वो जो सेम चीज़ें मैंने सीख ली मैं सेम तुम्हारे सामने डालता हूँ। एंड 90%, लेट्स से 90%, दैट्स अ वेरी बिग नंबर जो मैं बता रहा हूँ, 90%, इट्स नॉट 90%, इट विल बी लाइक 20-30-40% पीपल हेट मी, ठीक है, बट लेट्स से 90% पीपल हेट मी, ठीक है। वाई? क्योंकि आउट ऑफ देम समर लाइक जिन्हें पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है कि भाई बिना डिग्री, वर्ड बिना डिग्री के ना, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो होता ही नहीं है, दैट्स वर्ड देयर माइंड सेट इज। बट आई नो, आई हैव सीन पीपल, आई हैव डन इट, आई नो दैट्स वर्ड। उनको नहीं पता है, वो जो 90% है उनको नहीं पता ये चीज। और अगर तुम लोग अभी से ये चीजें अडॉप्ट कर लोगे और सीख जाओगे, बूम, यू आर द चैंप। प्रथम प्रसून सर्च करना, उसका इंटरव्यू मिल जाएगा, प्रथम प्रसून। एंड देन फिर आफ्टर दैट हरकीरत भाई से भी मेरी बात हो गई। उसके बाद हरकीरत भाई ने भी रिप्लाई दे दिया, एंड फिर मैंने उनसे गाइडेंस मांगी, ही इज ऑल्सो वेरी गुड, उनसे मैंने गाइडेंस मांगी कि भाई आपका तो 4 CR का है, आपने कैसे किया एंड ऑल। तो उन्होंने फिर बताया कि इफ यू वॉन्ट रिमोट जॉब, उन्होंने क्या बोला था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं कंक्लूजन बताता हूँ उस चीज़ का। इफ यू वॉन्ट रिमोट जॉब, इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट रिमोट जॉब, ठीक है। उनको मिली थी क्योंकि बूम आया था एकदम से वेब 3 में, डेव्स की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, एंड ओपन सोर्स उन्होंने किया था तो उनका नेटवर्क बन गया था ओपन सोर्स से और लोगों को पता चल गया था उनको काम आता है। डन, नोबडी आस्क्ड कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आई थिंक उनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, ऐसी जॉब मिली थी उनको, कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं बट कुछ ऐसा था।